हम कंटिन्यू करते हैं, मतलब कंटिन्यू को स्टार्ट करते हैं नया चैप्टर हमारा। नया नहीं है, पुराने चैप्टर का पार्ट है, सेकंड पार्ट है, सेकंड वर्जन कह सकते हो आप। साइलेंट फीचर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन पार्ट टू। मैं रिकमेंडेशन देना चाहूँगा आपको, रिकमेंड करना चाहूँगा बेसिकली कि इसको पढ़ने से पहले अगर आप एक बार इस चैप्टर को थोड़ा सा रिवाइज करें, थोड़ा सा एक फास्ट रीडिंग लगा लें, क्विक रीडिंग अगर लगा लें तो काफ़ी इजी रहेगा। इस चैप्टर में हमने जो पढ़ा था फंडामेंटल राइट्स पढ़े थे, क्या पढ़े थे? फंडामेंटल राइट्स, ठीक है। अब इसके अंदर जो हम पढ़ेंगे वो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे? डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स। कंटिन्यू करते हैं, बेसिकली करें आपको थोड़ा इंट्रो दूँ, मैंने दिया होगा आपको पहले भी। ये जो हमारा चैप्टर है, हमारे सिलेबस के स्टार्टिंग के पहले कॉन्स्टिट्यूशन आया, फिर कॉन्स्टिट्यूशन के बाद सेलेंट फीचर्स पार्ट वन आया, फिर उसके सेलेंट फीचर्स से पार्ट टू आया। तो पहले उन्होंने क्या पढ़ाया आपको? कॉन्स्टिट्यूशन। पहले उन्होंने क्या पढ़ाया आपको? कॉन्स्टिट्यूशन क्या पढ़ाया? कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है, चैप्टर वन। मैंने आपको कॉन्स्टिट्यूशन के दो पार्ट है, कॉन्स्टिट्यूशन में दो चीजें लिखी हुई हैं, दो चीजें लिखी हुई हैं, कुछ हमारे फंडामेंटल राइट्स लिखे हुए हैं जो हमारे राइट्स जो हमें यूज करना चाहिए, कुछ डायरेक्ट प्रिंसिपल्स दिए हुए हैं स्टेट गवर्नमेंट को, स्टेट गवर्नमेंट को डायरेक्ट करने के लिए कुछ बता रखा है, कुछ सिद्धांत बता रखे हैं, कुछ डायरेक्टिव प्रिंसिपल, डायरेक्टिव ऐसे प्रिंसिपल जो किसको डायरेक्ट कर रहे हैं, जो किसको क्या कर रहे हैं, डायरेक्ट कर रहे हैं। तो यहाँ पर हमें कॉन्स्टिट्यूशन में दूसरा पार्ट क्या है? डायरेक्टिव प्रिंसिपल। तो चैप्टर वन में हमने ये पढ़ा, चैप्टर टू में हमने ये पढ़ा, चैप्टर थ्री में हम ये पढ़ रहे हैं, यानी कि हम पढ़ कुछ नहीं रहे हैं, हम कुछ अलग नहीं पढ़ रहे हैं, हम पढ़ एक ही चीज़ है, कॉन्स्टिट्यूशन। पहले हमने कॉन्स्टिट्यूशन का हल्का सा ब्रीफ पढ़ा, ऊपर से पढ़ा, फिर थोड़ा कॉन्स्टिट्यूशन और अंदर गए तो हमने फंडामेंटल राइट्स पढ़े। अब हम और अंदर जा रहे हैं, अब हम क्या पढ़ रहे हैं? डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो समझ में आएगा डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स है क्या? कोई नई चीज़ नहीं, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का ही पार्ट है। और फंडामेंटल राइट्स का क्या है भाई? ये बेचारा देखो मैं आप लिखा गया पार्ट बी, पार्ट ए कहाँ गया? ए मतलब फंडामेंटल राइट्स जो आपका प्रीवियस चैप्टर में था, ठीक है। पढ़ते हैं आपका ये डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स का मतलब क्या होता है, रफ मीनिंग आपको मैंने बताया था, कुछ ऐसे प्रिंसिपल्स जो डायरेक्ट करते हैं स्टेट गवर्नमेंट को। तो लिखा हुआ है डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स आर द गाइडलाइंस। डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स क्या हैं? वो गाइडलाइंस हैं टू बी फॉलोड बाय द गवर्नमेंट इन द गवर्नेंस ऑफ द कंट्री, इन द गवर्नेंस ऑफ द कंट्री। मतलब कह रहे हैं ये किसी तरह की गाइडलाइंस हैं और ये गाइडलाइंस कौन फॉलो करेगा? फॉलो करेगी करप्ट गवर्नमेंट। कौन फॉलो करेगी? इन ये जनरल पब्लिक के लिए और गवर्नमेंट के लिए, ये गवर्नमेंट के लिए है, ठीक है। तो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स क्या हैं? एक गाइडलाइंस हैं जो गवर्नमेंट को फॉलो कर रही है। सर किस गवर्नमेंट को फॉलो कर रही है? स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट, किसको? सभी को। इन दी गवर्नमेंट्स ऑफ द कंट्री, यानी कंट्री के अंदर जितनी भी तरह की गवर्नमेंट है उन सभी को फॉलो करनी है। तो दो तरह की होती है बेसिकली, सेंट्रल स्टेट, दोनों को करनी होती है। फिर वो आगे क्या कह रहा है? पार्ट फोर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी अंडर आर्टिकल 36 और 51। वो कह रहा है कि अभी हम सारे भी नहीं पढ़ेंगे, हम पढ़ेंगे पार्ट फोर के बारे में। जो पार्ट फोर जो हमें बताता है कॉन्स्टिट्यूशन का, कि ऐसे प्रिंसिपल्स जो सेंट्रल गवर्नमेंट को नहीं केवल स्टेट को, जो केवल स्टेट गवर्नमेंट को फॉलो करने हैं। और ये सर और ये स्टेट गवर्नमेंट को फॉलो करने हम डायरेक्ट ये प्रिंसिपल्स लिखे कहाँ हुए हैं? ये लिखे हुए हैं आर्टिकल 36 से लेकर 51 तक, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। वो कहते हैं डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स आर नॉट अ सब्स्टिट्यूट फॉर लॉज ऑफ द कंट्री। वो कह रहा है कि जो डायरेक्टिव जो प्रिंसिपल्स हैं, क्या ये सब्स्टिट्यूट है हमारे कंट्री के लॉ के? मतलब सब्स्टिट्यूट मतलब इसको रिप्लेस कर सको, मतलब क्या क्या ऐसा कर सकते हैं हम कंट्री का जो लॉ है, कंट्री में स्पेशल लॉ है उनको फॉलो नहीं कर रहे, केवल डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स को फॉलो कर रहे हैं, या फिर केवल डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स को फॉलो कर रहे हैं कंट्री के लॉ को फॉलो नहीं कर रहे, क्या हम ऐसा कर सकते हैं? ना,
दे आर नॉट रिप्लेसेबल, दे आर नॉट अ सब्स्टिट्यूट, हम इनको रिप्लेस नहीं कर सकते, हम इनको रिप्लेस नहीं कर सकते, ठीक है, बिकॉज द गवर्नमेंट हैज टू टेक देम इनटू कंसीडरेशन व्हाइल मेकिंग लॉज, क्योंकि गवर्नमेंट जब लॉ बनाती है ना, तो गवर्नमेंट लॉ बनाते टाइम ही इन प्रिंसिपल्स को ध्यान में रखती है। तो यानी कि पहले क्या, पहला बेस क्या होता है, किसी भी लॉ का बेस क्या होता है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स का बेस होते हैं, ठीक है। तो ये लाइन एक चीज़, ये लाइन एक इम्पोर्टेंट है कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स क्या है, नॉट अ सब्स्टिट्यूट। क्यों सब्स्टिट्यूट है, क्यों सब्स्टिट्यूट नहीं है, क्योंकि गवर्नमेंट को इनको कंसिडर करना पड़ता है वाइल मेकिंग लॉज। दीज प्रिंसिपल्स कंटेन लॉफ्टी आइडियाज, डीप ह्यूमन थॉट, रिकॉर्डिंग हो रही है, डीप ह्यूमन थॉट, बिलीफ एंड नॉलेज। वो कह रहा है ये जो प्रिंसिपल्स होते हैं, इन्हें बहुत शानदार शानदार मतलब बहुत गहरे गहरे आइडियाज होते हैं, लोगों के बहुत लंबी थिंकिंग के जो आइडियाज आते हैं, ऐसे आइडियाज होते हैं, इन्वॉल्व होते हैं, डीप ह्यूमन थॉट मतलब उनके जो थाट्स होते हैं, मतलब बहुत सोच विचार कर वो प्रिंसिपल्स बनाए गए हैं, तो ये इंक्लूडेड होते हैं उन प्रिंसिपल्स के अंदर। बिलीफ, लोगों के बिलीफ होते हैं, कुछ नॉलेज होती है लोगों की, ये सारी चीज़ होती है उसके अंदर, आपके क्या कहते हैं इन प्रिंसिपल्स के अंदर मतलब प्रिंसिपल्स बनाते हैं रिसर्च में, इतनी सारी मेहनत लगती है, तो आप इसको ऐसे ही ओवरलुक नहीं कर सकते हो, ठीक है। अगर आपको सर लॉफ्टी का मीनिंग पूछा, तो लॉफ्टी का मीनिंग होता है स्ट्रांग, बुलंद कह सकते हो, स्ट्रांग लिख सकते हो, या फिर हाई लिख लो, हाई आइडियाज, बहुत ऊंचे आइडियाज मतलब बहुत अच्छे लेवल के, है ना। द प्रिंसिपल्स आर नॉट फाउंड इन एनी अदर कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द वर्ल्ड एक्सेप्ट दोज ऑफ इंडियन आइलैंड। वो कह रहे हैं ये जो प्रिंसिपल्स हैं डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स, ये आपको पूरे वर्ल्ड में किसी भी कंट्री के कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं मिलेंगे, नहीं मिलेंगे, एक्सेप्ट इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन में और आयरलैंड के कॉन्स्टिट्यूशन में, ठीक है। सोर्सेस ऑफ डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स, सोर्सेस ऑफ डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स इस हेडिंग का मतलब, इस टाइटल का मतलब क्या है, सोर्स ऑफ डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स। ये डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स जो बनाए हैं, तो इनमें हमने बहुत से लिखी होंगी ना, कुछ ना कुछ लिखा होगा, तो नॉलेज हमने अपनी इन्वॉल्व करी, तो कहाँ से हमारे पास थॉट्स हैं, नॉलेज। अब हमने भी तो लिखा है, हमारे पास तो कोई ना कोई बेस होगा ना, जिसके बेस पर हमने लिखा होगा। तो वो कह रहा है कि हाँ उसका बेस क्या है, ये हमें बेस कहाँ से मिला, तो कह रहा है पांच सोर्सेज से, पांच जगहों से हमें कुछ आइडियाज मिले, तब जाकर हमने ये अपने कॉन्स्टिट्यूशन में डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ड्राफ्ट किए। तो कह रहा है एट द टाइम ऑफ ड्राफ्टिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, हम कॉन्स्टिट्यूशन ड्राफ्ट कर रहे थे, इट्स फ्रेमर्स वर इंस्पायर्ड बाय फाइव इंपॉर्टेंट सोर्सेज। फ्रेमर्स मतलब जो ये फ्रेम कर रहे थे, जो ड्राफ्ट जो कॉन्स्टिट्यूशन बना रहे थे, वो लोग पांच इंपॉर्टेंट सोर्सेज से काफी इंस्पायर हुए, यानी पांच सोर्सेज उन्होंने लिए। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ आयरिश रिपब्लिक दिस कंटेन्स द प्रिंसिपल्स ऑफ सोशल पॉलिसी फॉर द गाइडेंस ऑफ द लेजिस्लेटर्स। यानी आयरिश रिपब्लिक एक जगह है, आयरिश रिपब्लिक आई थिंक आयरलैंड को ही बोलते हैं, जहाँ तक मैं श्योर हूँ। हाँ, तो इन्होंने यानी आयरलैंड में ऑलरेडी ये डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स बन चुके थे, तो हमने आयरलैंड के कॉन्स्टिट्यूशन को पढ़ा, वहाँ से हमें थोड़ा बहुत आइडिया लिया, वहाँ से हमने क्या लिया, गाइडेंस लिया, जो वहाँ के लोगों के लिए बना हुआ था, जो वहाँ के लेजिस्लेटर्स के लिए बना हुआ था, जो वहाँ के लेजिस्लेटर्स के जो प्रिंसिपल्स बने हुए थे, हमने उसको कंसिडर किया। और हमने क्या कंसिडर किया, डिक्लेरेशन ऑफ द राइट्स ऑफ मैन एंड सिटीजन्स ऑफ रेवोल्यूशन इन फ्रांस। हमने फ्रांस के भी कुछ, फ्रांस के भी कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ राइट्स के बारे में बताया गया था, मैन का, सिटीजन्स का, ठीक है। तो उस चीज़ को कंसिडर किया हमने, नहीं मतलब फेमस ने कंसिडर किया, द आइडियाज ऑफ महात्मा गांधी, महात्मा गांधी जी के कुछ आइडियाज थे, हमने उनको कंसिडर किया। या पढ़ोगे गांधी जी के कुछ अलग से प्रिंसिपल्स हैं सेपरेट, वो पढ़ने हैं, पूछ जाते हैं कोई एग्जाम में। द फैक्ट दैट डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑल्सो कंटेन गांधीन प्रिंसिपल्स, बोलते हैं मैंने हमारे डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स के अंदर गांधी जी कुछ सेपरेट प्रिंसिपल्स लिए गए हैं, लिखे गए हैं, तब लिखा हुआ है कि हमारे डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स के अंदर गांधीयन प्रिंसिपल्स नाम से भी क्या है, एक टॉपिक है
दैट इज सफिशियंट प्रूफ दैट आइडियाज ऑफ महात्मा गांधी हैज हैड इन्फ्लुएंस द फ्रेमर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। इससे ये एक सफिशियंट प्रूफ है, इससे पता चलता है कि हाँ महात्मा गांधी जी के आइडियाज ने हमारे कॉन्स्टिट्यूशन बनाने वाले लोगों को काफी सारे इन्फ्लुएंस कर रखा था, क्योंकि उन्होंने उनके थॉट्स को इसके अंदर इनकॉर्पोरेट किया। द चार्टर ऑफ ह्यूमन राइट्स फ्रेम्ड बाय यूएन आइडियाज ऑफ महात्मा गांधी। यूनाइटेड नेशंस का कुछ चार्टर है, चार्टर मतलब क्या होता है, चार्टर मतलब बोलते हैं रूल्स को, लिस्ट ऑफ रूल्स को। तो वहाँ पे उन्होंने यूएन के जो रूल्स हैं उनको भी कंसिडर किया। सर ये सब इन्होंने कंसिडर कैसे कर लिया? बेसिकली हमारी कंट्री इन सारी जगहों से थोड़ा लेट इंडिपेंडेंट हुई थी, तो ये जितनी भी जगह हमने आयरलैंड की बात सुनी, फ्रांस की बात सुनी, हम यूएन की बात सुन रहे हैं, तो ये कंट्रियाँ ना कुछ ये हमसे पहले डेवलप हो चुकी थी, और क्योंकि हमसे पहले इंडिपेंडेंट सॉरी ये हमसे पहले इंडिपेंडेंट हो चुकी थी, और क्योंकि हमसे पहले इंडिपेंडेंट हो चुकी थी तो हमने पोस्ट इंडिपेंडेंस यानी इंडिपेंडेंस के बाद के अपने रूल्स बना रखे थे। तो हमें एक आइडिया चाहिए था कि इंडिपेंडेंट होने के बाद हमें कैसे रूल्स बनाने कैसे नहीं। तो जो ऑलरेडी हमारे एक्सपीरियंस लोग हैं जो ऑलरेडी हमसे पहले इंडिपेंडेंट होकर रूल्स बना चुके हैं, हमने उनसे थोड़ा फेवर मांगा कि आप बताओ कैसे कैसे करें। तो हमने फ्रांस को कंसिडर किया, आयरलैंड को कंसिडर किया, हमने यूएन को कंसिडर किया, गांधी जी हमारे काफ़ी वो काफ़ी लिटरेट पर्सन थे, इनके थॉट्स को कंसिडर किया। द यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स वाज अडॉप्टेड बाय यूएन नेशंस व्हेन द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वाज डेलिब्रेटिंग ओवर द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। वो कह रहा एक यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स यूएन ने अडॉप्ट किया, कब अडॉप्ट किया, जब हमारे यहाँ की कॉन्स्टिट्यूशन कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली क्या कर रही थी, वाज डेलिब्रेटिंग ओवर द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। जब हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बन रही थी तो उन्होंने एक यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स को भी क्या किया, अडॉप्ट किया, और हमने उसको भी कंसिडर किया, हमने उसको भी कंसिडर किया। तो ये कुछ नाम आपको याद रखने हैं, शॉर्ट में भी हल्का, लॉन्ग में एक बार में मत करने की कोशिश करना, शॉर्ट में याद रखना। हमने आयरलैंड के प्रिंसिपल्स को याद किया, फ्रांस के प्रिंसिपल्स को हमने कंसिडर किया, गांधी जी के आइडियाज को कंसिडर किया, यूएन चार्टर को कंसिडर किया, और UDHR लिख सकते हो, यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स को भी कंसिडर किया। याद बाद में करते चलेंगे, याद तो होता रहेगा। हाँ याद कैसे करना है ये साथ के साथ सोचते चलो और समझते चलो, याद करता है वो लास्ट में करना, कोई दिक्कत नहीं, अभी साथ में सोच लो कि कैसे करना है। इम्पोर्टेंस ऑफ, बहुत बड़ा टॉपिक आ गया। अब बड़े टॉपिक से पहले मैं कुछ नोटिंग करा देता हूँ, ठीक है, क्योंकि मैं इतना बड़ा टॉपिक अभी स्टार्ट करना चाहता है। आप फुल फॉर्म लिखना डायरेक्टिव और प्रिंसिपल्स, मैं शॉर्ट में लिखूँ DP। मीनिंग ऑफ डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स, तो सिंपल से इसका मीनिंग क्या था, ये क्या थी गाइडलाइंस, ये क्या थी, ये क्या थी गाइडलाइंस, ये क्या थी गाइडलाइंस। सर गाइडलाइंस किसके लिए, मेरे लिए, आपके लिए, ये गाइडलाइंस थी जो कि क्या थी, फॉलोड बाय गवर्नमेंट, जो किसको फॉलो करनी थी, फॉलोड बाय गवर्नमेंट, फॉलोड बाय गवर्नमेंट। सिंपल सर, मीनिंग ऑफ डायरेक्टिव प्रिंसिपल, मीनिंग ऑफ डायरेक्टिव प्रिंसिपल, तो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स क्या हैं, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स आर गाइडलाइंस, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स आर गाइडलाइन फॉलोड बाय, फॉलोड बाय गवर्नमेंट, जो किसको फॉलो करना है, गवर्नमेंट को फॉलो करना है, ठीक है, ये हमने पढ़ा। फिर हमने देखा क्या देखा कि पार्ट फोर है कोई हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में,
ठीक है, पकड़ के पार्ट 4 है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में। जो कहता है कि आप जिसके अंदर डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स बताए गए हैं किसके, ऑफ स्टेट पॉलिसी, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी DPSP, ठीक है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी एंड स्टेट गवर्नमेंट को क्या क्या फॉलो करना है वो उसके अंदर बताए गए हैं, बताए गए हैं, ये हमने पढ़ा। ठीक है, जो कि कवर्ड हैं, अगर मैं यहीं पर लिख दूँ, जो कि कवर्ड हैं, चलिए एक और पॉइंट नहीं देता हूँ मैं, जो कि कवर्ड हैं आर्टिकल 36 से 51 तक कवर्ड है। ये हमने पढ़ा पहला टॉपिक, जिसके अंदर देखा काफ़ी सारे स्कॉलर्स के थॉट्स एफर्ट्स इसके अंदर इन्वॉल्व थे जो हम ये बना रहे थे। ठीक है, और इसमें कुछ छूट तो नहीं रहा हमारा। ठीक है, फिर हमने इसके अंदर एक इम्पोर्टेंट फैक्ट देखा था, एक फैक्ट हमने इसके अंदर देखा था, क्या देखा था फैक्ट, एक फैक्ट हमने देखा था कि ओनली इंडिया, दोनों आई हैं, दोनों इंडिया एंड आयरलैंड, आयरलैंड है वो DP, केवल इंडिया और आयरलैंड है पूरे वर्ल्ड में जो डायरेक्टर प्रिंसिपल जिनके पास हैं, स्टेट वाले बात कर रहा हूँ मैं, ठीक है, और किसी कंट्री के पास है उनके कॉन्स्टिट्यूशन में डायरेक्टर प्रिंसिपल्स हैं ही नहीं। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक है हमारा सोर्सेस। हमने डायरेक्टर प्रिंसिपल्स पढ़ना स्टार्ट किया तो हमारे पास इंफॉर्मेशन कहाँ से आई, हमारे पास इंफॉर्मेशन कहाँ से आई, तो हमें कुछ बेस तो चाहिए चाहिए था, हमें कुछ बेस तो चाहिए ही चाहिए था, तो बेस आपको कहाँ से मिला सर? कुछ आयरलैंड से मिला, कुछ फ्रांस से मिला, कुछ गांधी जी के थॉट से मिला, ठीक है, कुछ हमें यूएन चार्टर से मिला, ठीक है, कुछ हमें यूनिवर्सल यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स, यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स इनसे मिला। अभी इतना याद रखो, जब इतना याद रख पाओगे शॉर्ट में तब जाकर डिटेल में याद हो पाएगा। तो ये कुछ 5 पॉइंट थे आपके, 5 सोर्सेस थे आपके, सॉरी। ठीक है, हम डेली अब क्या करेंगे, हम डेली जितना पढ़ेंगे उतनी नोटिंग भी करते रहेंगे साथ के साथ, ठीक है, हम यहीं पे नोटिंग करते रहेंगे। ये आपने अगर नोट कर लिया तो ठीक है, अगर नोट नहीं किया वीडियो पॉज करो, नोट कर लिया साथ, ठीक है, और नोट नोटिंग के लिए अलग से बुक बना लेना, मैं हर सब्जेक्ट की नोटिंग करवाऊंगा, ठीक है। हम यहीं तक पढ़ रहे हैं, ज़्यादा नहीं पढ़ा रहा मैं,
मेरे को इसके लिए चाहिए काफ़ी टाइम। मैं नहीं चाहता कि हम टॉपिक आधे तक छोड़ के पढ़ें, जो टॉपिक उठाएंगे पूरा पूरा करेंगे। होमवर्क रखो अपना सर, होमवर्क मिल जाएगा इतनी देर में? हाँ ये रहे आपके, हेलो आपके, ये तीन क्वेश्चन आपके होमवर्क में है, जिसमें से थर्ड वाला इम्पोर्टेंट है। एग्जाम पर्पस से देखा जाए तो थर्ड वाला इम्पोर्टेंट है, ठीक है? इतना आपका होमवर्क है।